Hello children, in this video we are going to do some built-in function, or you can say predefined functions of dictionary in Python. Now the first function is setDefault function. The setDefault method inserts a new key value pair only if the key does not already exist. What does it mean? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जो सेट डिफॉल्ट मेथड है वो क्या करता है, आपकी जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर को ज्वाइन करता है, राइट? लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, न्यू की वैल्यू पेयर कब वो उसके अंदर इंसर्ट करेगा, जब वो की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? ओके, सी द सेट डिफॉल्ट मेथड इंसर्ट्स अ न्यू की वैल्यू पेयर ओनली इफ द की डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट? अगर पहले से ही जो आप की दे रहे हो पहले से ही डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो आप क्या होगा, एक न्यू की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर ज्वाइन हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, फाइन? इसका सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटेक्स? डिक्शनरी नेम डॉट सेट डिफॉल्ट, राइट? सेट डिफॉल्ट फंक्शन, और सेट डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास करोगे, की एंड वैल्यू, ओके? न्यू की एंड न्यू वैल्यू डेट यू वांट टू इंसर्ट इन योर डिक्शनरी, वो की और वैल्यू जो आप अपनी डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, राइट? सी वेयर की एंड वैल्यू आर द की एंड द वैल्यू टू बी एडेड टू द डिक्शनरी, की और वैल्यू कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो हम डिक्शनरी के अंदर एड करना चाहते हैं, राइट? If value is not passed as input, the default none value is used as the value. Okay? ये क्या कह रहा है? अगर आपने value को नहीं दिया, only key को दिया है, value को नहीं दिया है, तो क्या होगा? Value के साथ आपका default value, sorry, key के साथ आपकी default value आ जाएगी none. ओके, जितनी भी कीज होंगी उनके साथ, सॉरी, जो भी आप की यूज कर रहे हो, ओके, उसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी नन अगर आपने वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, फाइन? समझ आया? ओके, नाउ, और ये रिटर्न क्या करते हैं, फंक्शन रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द न्यू की इफ एडेड, अदरवाइज इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग की. अब ये क्या कह रहा है, ओके, सेट डिफॉल्ट फंक्शन से हमने की वैल्यू डिफाइन किया जो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है अपनी डिक्शनरी में, फाइन? तो ये फंक्शन जब अगर जो की है वो यूनिक है तो क्या होगा, एक न्यू की वैल्यू पेयर आपकी डिक्शनरी में इंसर्ट हो जाएगा, फाइन? लिखा हुआ है ना, और क्या होगा यहाँ पे देखो, इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द न्यू की इफ एडेड, तो क्या करेगा ये, एक तो इंसर्ट भी हो जाएगा और रिटर्न भी करता है, कि वैल्यू रिटर्न करता है, जब आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा, और अगर क्या है ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है डिक्शनरी के अंदर, सी अदरवाइज इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग की, ठीक है? अगर की पहले से ही प्रेजेंट है तो किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो पहले से ही की प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ओके? अभी हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाइन? नाउ सी, नाउ वी हैव वन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने डिक्शनरी ली है स्टूड वन, ओके, उसमें की वैल्यू पेयर है कि वन इज द की, रोहन इज द वैल्यू, टू इज द की, राम इज द वैल्यू, एंड लाइक दिस, इट हैज थ्री की वैल्यू पेयर, फाइन? ओके, अब स्टूड वन डॉट सेट डिफॉल्ट, ओके, सेट डिफॉल्ट फंक्शन में हमने पास किया एक न्यू की, पास की फाइव, और उसकी वैल्यू को पास किया पूजा, फाइन? ओके, अब देखो, सिंस देयर इज नो की एज फाइव, इट विल एड अ न्यू की वैल्यू पेयर एज फाइव पूजा टू द स्टूड वन डिक्शनरी. ये क्या कह रहा है कि हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर फाइव की प्रेजेंट नहीं करती, नहीं करती है तो क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर, और जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पे पूजा क्या हुआ, पूजा आपके पास आ गया, ओके, और जब आप इसको डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक न्यू की वैल्यू पेयर भी क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, फाइन? ओके, इस जो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये क्या वैल्यू रिटर्न करते है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, जो आपकी की है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे देखो इसने पूजा को रिटर्न किया है, फाइन? और उसके साथ साथ क्या किया है, फाइव और पूजा की एंड वैल्यू डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट भी हो गए, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुके हैं, फाइन? तो अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा है, जहां पे डिक्शनरी के अंदर आप यूनिक की वैल्यू पेयर को इंसर्ट कर रहे हो, राइट? ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे,
जहां पर आपकी की यूनिक नहीं है, ऑलरेडी वो की प्रेजेंट है डिक्शनरी के अंदर। सी यहाँ पे हमारी डिक्शनरी स्टूड ओके हैविंग द की वैल्यू पेयर्स 1 रोहन, 2 राम, 3 नेहा एंड 4 एनी एंड 5 पूजा। ओके तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या की दिया है, स्टूड डॉट सेट डिफॉल्ट 5 सुहिना। फाइन, तो अब देखो ये 5 जो की है ऑलरेडी प्रेजेंट है डिक्शनरी के अंदर। ओके तो जब आप सेम की ले रहे हो तो क्या होगा, जो प्रीवियस की है उसकी ही वैल्यू ये रिटर्न करेगा। सी यहाँ पे इसने पूजा को रिटर्न किया है। ओके पूजा को रिटर्न किया है, और जब आप स्टूड अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, प्रीवियस जो इसका इनिशियल की वैल्यू पेयर है वो ही प्रिंट होगा, जो न्यू की वैल्यू आप दे रहे थे वो प्रिंट नहीं, वो इंसर्ट नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इसको फिर से एक बार देखो, जब आप की सेम ले रहे हो ठीक है, तो जो डिक्शनरी की इनिशियल वैल्यू थी, जो पहले उस की वैल्यू थी, वही वो रिटर्न करेगी। पूजा यहाँ पे रिटर्न हुआ है, और क्या होगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। फाइन, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ओके जो की प्रीवियस वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने डिक्शनरी ली है, ओके हैविंग द की वैल्यू पेयर्स, यहाँ पे 5 की वैल्यू पेयर्स है डिक्शनरी में। अब आपने क्या किया, डिक्शनरी नेम डॉट सेट डिफॉल्ट 6। अब सी यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ की को पास किया है, ओके वैल्यू को पास नहीं किया। एंड जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप की को पास करते हो, वैल्यू को पास नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कौन सी वैल्यू ज्वाइन हो जाती है, उसके साथ नन ज्वाइन हो जाता है। फाइन, ओके सो अब नाउ यू कैन सी, जब आप स्टूड को प्रिंट कराओगे तो क्या है, आपका 6 की आ गई है, बट उसकी वैल्यू क्या है, नन। अंडरस्टूड? यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, नन आई है। ओके व्हाई, बिकॉज यू हैव नॉट पास्ड द वैल्यू आर्ग्यूमेंट इन द सेल्फ डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, आपने वैल्यू को पास नहीं किया, सिर्फ की को पास किया, तो क्या हुआ, उसके साथ क्या ज्वाइन हो गया, उसके साथ नन वैल्यू ज्वाइन हो गया। नाउ वी हैव मैक्स मिन एंड सम फंक्शन। ओके एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज फंक्शन, दे गिव द मिनिमम की, मैक्सिमम की और सम ऑफ कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है, जब आप मैक्स फंक्शन का यूज करते हो तो आपको डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज है उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू है, वो आपको ये रिटर्न करेगा। फाइन, मैक्स फंक्शन। और आप जब मिनिमम फंक्शन का यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जो जितनी भी कीज है ओके उसमें से जो कीज की वैल्यू मिनिमम है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो आपको रिटर्न करेगा। और सम फंक्शन क्या करेगा, सम ऑफ कीज। ओके तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कह रहा है, इट विल गिव द मिनिमम की, मैक्सिमम की और सम ऑफ कीज। यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कीज की बात हो रही है, राइट? तो आपको कीज मिलेगी, मिनिमम की ओके मैक्सिमम की और सम ऑफ द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। फाइन, द मैक्स मिन एंड सम वर्क विद डिक्शनरीज हैविंग होमोजीनियस कीज दैट कैन बी कंपेयर्ड। अब ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन तभी वर्क करेंगे जब डिक्शनरी के अंदर आप जो भी कीज यूज कर रहे हो वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मीन्स एक तरह की हो, राइट? अगर इंटीजर्स है तो सारे इंटीजर्स हो, फ्लोट है तो सारे की सारी कीज फ्लोट हो, राइट? स्ट्रिंग हो तो सारी कीज स्ट्रिंग हो, सो डेट उनके बीच में कंपैरिजन करना इजी हो जाए, राइट? अगर आप हेट्रोजीनियस लोगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की लोगे, तो क्या होगा, हम उनके बीच कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। फाइन, द सम कैन ओनली वर्क विद द डिक्शनरीज हैविंग कीज विच आर एडिशन कंपेटिबल। अब ये क्या कह रहा है, सम फंक्शन यूज करने के लिए आपको वो की वैल्यूज लेनी है, वो कीज लेनी है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, लाइक नंबर्स, राइट? ओके आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, स्ट्रिंग में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। फाइन, दीज फंक्शन वर्क एज पर द सिंटेक्स। इनका सिंटेक्स क्या है, मैक्स फंक्शन, उसमें आप डिक्शनरी को पास करोगे, मेन डिक्शनरी पास करनी है, राइट? एंड सम डिक्शनरी। फाइन, दैट इज द डिक्शनरी हुज मिनिमम की, मैक्सिमम की और सम ऑफ कीज इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वो डिक्शनरीज को पास कर रहे हैं जिन
कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम की निकालनी है, मिनिमम की निकालनी है, या सम ऑफ द की निकालनी है, राइट। रिटर्न द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कीज डेटा टाइप, जो भी आप ये रिटर्न क्या करेगा, आपको कीज रिटर्न करेगा, ठीक है, मिनिमम की, मैक्सिमम की, या सम ऑफ द की, फाइन। अभी हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, राइट। नाउ सी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज ले रहे हैं, फाइन। डिक्शनरी हैविंग होमोजेनियस कीज ऑल ऑफ टपल टाइप, सबसे पहले हमने D1 डिक्शनरी ली है जिसकी सारी की सारी जो कीज है वो किस टाइप की है, टपल टाइप की है। देखो यहाँ पे फर्स्ट की क्या है, टपल है, ओके। टपल आप जानते हो, टपल इन विच वी यू एनक्लोज वैल्यूज इन द सर्कुलर ब्रैकेट एंड द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द कोमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टपल लिया, ओके, ये हमारी फर्स्ट की है, ओके, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 1, एंड सेकंड की है 30 40, सेकंड टपल इसकी वैल्यू है 2, फाइन। एक हमने डिक्शनरी ली जिसके अंदर की किस टाइप की है, टपल टाइप की है, ओके। सेकंड हमने डिक्शनरी ली D2 जिसमें जितनी भी कीज है वो स्ट्रिंग टाइप के, यू कैन सी रेड येलो ग्रीन, ये क्या है, हमने जो कीज ली है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, राइट। थर्ड आप डिक्शनरी ले रहे हो D3, उसकी जो कीज है वो इन टाइप के, यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3, ओके। तो ये आपकी वैल्यूज क्या है, इन टाइप की है। D4 डिक्शनरी आपने ली है, इसमें आपकी वैल्यूज क्या है, फ्लोट टाइप की, जो आपकी की वैल्यू है वो फ्लोट टाइप है, 1.5, 3.5। तो आप देख सकते हो आपने क्या किया, जितने भी डिक्शनरीज बनाई है उसके अंदर कीज क्या रखी है, होमोजीनियस रखी है, सेम टाइप रखी है, फाइन। अब देखो सबसे पहले द मिनिमम कीज फ्रॉम ईच ऑफ द डिक्शनरीज, अब हम क्या करें, जितनी भी हमने, जो हमारे पास 4 डिक्शनरीज है उसकी मिनिमम कीज निकाल रहे हैं। तो हमने मिन D1 लिखा सबसे पहले, मिन D1, तो इसका रिजल्ट आया 1020, फाइन। मिन D2, ये D2 का आया है आपका ग्रीन, ओके। यहाँ पे कैसे कंपैरिजन होता है, जब आप स्ट्रिंग कीज बनाते हो तो यहाँ पे अल्फाबेट्स का कंपैरिजन होता है, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन सबसे क्या है, मिनिमम है, ओके। यहाँ पे ग्रीन मिनिमम है, फाइन। नेक्स्ट आपने क्या किया, मिन D3, D3 को लिया, D3 के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे 1, ओके, 1 आ गया, दिस दिस इज योर रिजल्ट। देन D4, D4 में 1.5, राइट। तो जितनी भी डिक्शनरीज थी उनकी उनकी कीज, जो मिनिमम की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई है, फाइन। अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करें, मैक्स D1, मैक्स D2, मैक्स D3 एंड मैक्स D4, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है D1 की, ओके। मैक्सिमम वैल्यू आ गई है D2 की, देन आपका 5 D3 की, एंड 5.6 ये आपका D4 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव द सम फंक्शन वर्क विद द डिक्शनरी D3 एंड D4। अब हम यहाँ पे D3 और D4 के अंदर सम फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है, ना तो हम टपल पे यूज कर सकते हैं सम फंक्शन, ना ही हम स्ट्रिंग वैल्यूज पे कर सकते हैं, हम किस पे यूज कर रहे हैं, इंट और फ्लोट वैल्यूज पे कर रहे हैं, फाइन। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ D3 कर दिया, सम ऑफ D4, तो आपकी D3 की जितनी भी कीज थी उसका सम आ गया, और D4 में जितनी भी कीज थी उसकी वैल्यूज, उसकी कीज का सम आ गया, राइट, ओके। अब नाउ सी, द सम फंक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द डिक्शनरी D1 बिकॉज इट्स की टाइप इज टपल एंड टपल्स कैन नॉट बी एडेड। अब हम अगर कोशिश करते हैं कि D1 की कीज का सम करते हैं तो क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी, टाइप एरर, फाइन। बिकॉज क्या होता है, टपल सम फंक्शन नहीं सपोर्ट करता, राइट, टपल है, ओके, आप इसको एडिशन नहीं कर सकते, फाइन। तो देखो दिखा रहा है कि या तो इंट, आप इंट ले सकते हो एंड टपल, ओके ओके फाइन। नाउ वी हैव द सॉर्टेड फंक्शन, द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी कीज। जब आप सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हो आपको क्या मिलता है, आपको डिक्शनरी की जो कीज होती है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, अरेंज होके मिलती है। एंड सिंटेक्स, व्हाट इज द सिंटेक्स, सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आप डिक्शनरी को पास करेंगे, फाइन। सी, वेयर डिक्ट इज द डिक्शनरी हूज कीज आर टू बी सॉर्टेड, जिस डिक्शनरी की आपकी कीज को आपको शॉर्ट करना है वो आप शॉर्टेड फंक्शन के अंदर पास करोगे, राइट। एंड इट रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग द शॉर्टेड कीज ऑफ द डिक्शनरी, इसका रिजल्ट क्या है, आपको लिस्ट मिल जाएगी किसकी, डिक्शनरी की कीज की, ओके, और किस फॉर्म में, शॉर्टेड फॉर्म में, ओके, मतलब अरेंज होके आपको मिलेगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फाइन। फॉर द शॉर्टेड फंक्शन टू वर्क ऑल द कीज शुड बी ऑफ होमोजीनियस, ओके, ऑफ द सेम डेटा टाइप एंड ऑन विच कंपेरिजन आर पॉसिबल। अब ये क्या कह रहा है, शॉर्टेड फंक्शन तभी वर्क करेगा जो आप कीज है, आपकी लिस्ट
जो आपकी डिक्शनरी की कीज है वो होमोजीनियस टाइप है, मतलब सेम डेटा टाइप की। अगर इंट है तो सारी इंट है, फ्लोट है तो सारी फ्लोट है, स्ट्रिंग है तो सारी स्ट्रिंग है, लाइक दिस। ओके, सो डेट क्या हो सके उनके बीच में कंपेरिजन करना इजी हो। अगर आप डिफरेंट टाइप्स की लोगे तो क्या होगा, कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। ओके, एंड पाइथन विल रेज एन एरर, और पाइथन क्या करेगा, एरर शो कर देगा। फाइन, तो आपको क्या करना है, आपकी कीज क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास डिक्शनरी है, ओके, सी इट इज हैविंग की वैल्यू पेयर 21 स्नेहा, 21 इसकी की है, स्नेहा वैल्यू है 15 की, प्रणव, लाइक दिस। ओके, तो ये क्या है, अरेंज नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल दिया LST इक्वल टू शॉर्टेड, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने डिक्ट को पास कर दिया, डिक्शनरी को पास कर दिया, राइट। अब इसका रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, LST वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा, मतलब ओके। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया क्या है, आपको लिस्ट फॉर्म में कीज मिलेंगी, और कीज कैसी होंगी, शॉर्टेड फॉर्म में। ओके, अब देखो जब आपने LST को प्रिंट कराया, ओके, तो क्या आया, देखो आपके पास कीज आ गई हैं, आपकी डिक्शनरी की कीज आ गई हैं, और किस फॉर्म में आई हैं, शॉर्टेड फॉर्म में आई हैं, राइट, शॉर्टेड फॉर्म में आई हैं। यू कैन सी द लिस्ट, LST कंटेन्स ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी ऑफ द डिक्शनरी इन असेंडिंग ऑर्डर, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, फाइन, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। ओके, नाउ अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, यू हैव टू कंसीडर वन थिंग, ये आपके पास लिस्ट आ गई है, लिस्ट किसकी है, शॉर्टेड कीज की है, आपकी डिक्शनरी की। पर अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, वो एज इट इज होगी। सी द डिक्शनरी रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द शॉर्टेड फंक्शन, शॉर्टेड फंक्शन का डिक्शनरी के ऊपर जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया है। शॉर्टेड फंक्शन से आपको वन आपकी शॉर्टेड कीज तो मिल गई है, बट अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे देयर इज नो चेंज इन द डिक्शनरी। ओके, बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट आती है वो किस में आती है, असेंडिंग ऑर्डर में आती है, छोटे से सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले आए, स्मॉलेस्ट सबसे बाद में आए, तो आप क्या करोगे, एक और आर्ग्यूमेंट को ऐड करोगे, वो है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। फाइन, आपको इस आर्ग्यूमेंट को ऐड करना है। फाइन, अब देखो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी है, ओके, हमने क्या किया, शॉर्टेड फंक्शन लिया, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास किया, लेकिन अब एक और आर्ग्यूमेंट आप इसके अंदर पास कर रहे हो, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर था उसका रिवर्स हो जाए। फाइन, अब देखो आपका इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, LST में। जब आपने LST को प्रिंट कराया तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट वी हैव द लार्जेस्ट वैल्यू एंड इन द एंड वी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू देना है। फाइन, और ये मैंने आपको बता दिया, डिक्शनरी के अंदर इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, शॉर्टेड फंक्शन का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑल्दो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द शॉर्टेड कीज, राइट, बट वेन यू विल प्रिंट द डिक्शनरी यू यू विल सी देयर इज नो चेंज इन द डिक्शनरी। फाइन, वी कैन यूज शॉर्टेड फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ओके, शॉर्टेड फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट वी हैव टू गेट द शॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज फ्रॉम द डिक्शनरी आइटम। ओके, हम ये हमने अभी जस्ट किया था कि हम कैसे डिक्शनरी की कीज का शॉर्टेड फॉर्म शॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से हमें मिल सकता है। फाइन, अब देखो इसको हम दो तरीके से इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, शॉर्टेड डिक्शनरी नेम, ठीक है, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने डिक्शनरी नेम को पास कर दिया, ये वाला हमने अभी जस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेड डिक्शनरी नेम डॉट कीज फंक्शन। ओके, नाउ सी हियर, अब यहाँ पे हम क्या करें, एक न्यू वैल्यू पास करें, डिक्शनरी नेम डॉट कीज। ओके, जब हमने पहले किया था क्या किया था, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर डिक्शनरी नेम पास कर दिया था। ओके, तो इससे हमें क्या होता है, हमें शॉर्टेड फॉर्म में क्या मिल जाती है, डिक्शनरी की कीज। फाइन, अब यहाँ पे देखो कीज फंक्शन का क्या यूज होता है, कीज फंक्शन से आपको कीज मिलती है डिक्शनरी की। ओके, तो आप जब इसको शॉर्टेड फॉर्म के अंदर कीज फंक्शन को पास करोगे तो क्या होगा, डिक्शनरी नेम डॉट कीज से आपको कीज मिलती है। ओके, एंड शॉर्टेड फंक्शन के अंदर आपने इसको पास किया है तो किस फॉर्म में आपको कीज मिलेगी, शॉर्टेड फॉर्म में आपको कीज मिलेगी। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट कौन किस फॉर्म में अरेंज होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके,
फाइन। अब नाउ सी, यू कैन सी दिस एग्जांपल, वी हैव अ डिक्शनरी हेयर। ओके, हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया शॉर्टेड कीज वन, और हमने अपना पहले वाला मेथड यूज किया है शॉर्टेड, और उसके अंदर डिक्शनरी नेम पास कर दिया, राइट। फिर हमने लिया सेकेंड वेरिएबल शॉर्टेड कीज टू। ओके, शॉर्टेड, और शॉर्टेड के अंदर हमने क्या किया, डिक डॉट कीज फंक्शन को पास कर दिया। ओके, डिक्ट क्या, डिक्शनरी नेम डॉट कीज फंक्शन, और ये फंक्शन हमने पहले भी किया था। इससे क्या होता है, डिक्शनरी डॉट कीज फंक्शन से हमें कीज मिल जाती हैं, और शॉर्टेड फंक्शन में उसको पास करने से क्या हो जाएगा, हमें किस फॉर्म में कीज मिलेगी, शॉर्टेड फॉर्म में कीज मिलेगी। फाइन, अब देखो, जब आपने शॉर्टेड कीज वन वेरिएबल को प्रिंट कराया, आपको मिल गया शॉर्टेड फॉर्म में कीज मिल गई है, लिस्ट मिल गई है, लिस्ट ऑफ कीज। इन द सेम वे, जब आपने शॉर्टेड कीज टू वेरिएबल को प्रिंट कराया, तो आपको शॉर्टेड फॉर्म में कीज मिल गई है। फाइन, ओके। तो इन दोनों फंक्शन का क्या है, जो आपने दोनों ये सिंटेक्स यूज किए, दोनों का फंक्शन सेम है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट, वी हैव टू गेट द शॉर्टेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी आइटम। ओके, अब क्या है, हम शॉर्टेड फंक्शन का यूज करेंगे वैल्यूज को लेने के लिए शॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। डिक्शनरी की वैल्यूज को लेने के लिए किस फॉर्म में, शॉर्टेड फॉर्म में। इसका सिंटेक्स क्या है, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर आपने पास किया डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन। डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन से क्या होता है, आपको वैल्यूज मिल जाती है, डिक्शनरी की जो भी वैल्यूज होती है वो आपको मिल जाती है। और जब आप इसको शॉर्टेड फंक्शन में पास कर रहे हो, तो किस फॉर्म में मिलेंगी आपकी वैल्यूज, आपको मिलेंगी शॉर्टेड फॉर्म में वैल्यूज। फाइन, सिंपल। तो शॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, कीज को भी शॉर्ट किया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी की वैल्यूज को भी शॉर्ट कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमने पहले भी किया है, जब डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन से आपको डिक्शनरी की वैल्यूज मिल जाती है, राइट। लेकिन जब आपने उसको शॉर्टेड फंक्शन में पास कर दिया, तो वैल्यूज आपको शॉर्टेड मिलेंगी। ओके, एंड बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगी। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू। नाउ सी द एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी है, दिस इज आर डिक्शनरी हैविंग द की वैल्यू पेयर्स। ओके, हमने वेरिएबल लिया शॉर्टेड वैल्यूज इक्वल टू शॉर्टेड डिक्ट डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यू। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको वैल्यूज मिलेंगी शॉर्टेड फॉर्म में, और वो कहाँ पे जाके स्टोर जाएंगी, शॉर्टेड डॉट वैल्यूज वेरिएबल के अंदर। अब जब आप शॉर्टेड डॉट वैल्यूज वेरिएबल को प्रिंट कराओगे, नाउ यू कैन सी यू हैव गॉट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज दिस टाइम। अब आप इस टाइम आपको क्या मिला है, आपको कीज नहीं मिली है, आपको क्या मिला है, आपको वैल्यूज मिली है, और किस फॉर्म में वैल्यूज मिली है, शॉर्टेड फॉर्म में मिली है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर मिली है। ओके, और लिस्ट की फॉर्म में मिली है। फाइन, ओके। तो जो जब आप डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज फंक्शन को शॉर्टेड फंक्शन के अंदर पास करोगे एज अ आर्ग्यूमेंट, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी इन द शॉर्टेड फॉर्म। फाइन, नाउ द नेक्स्ट, वी हैव टू गेट द लिस्ट ऑफ द शॉर्टेड पेयर्स ऑफ कीज एंड वैल्यू। अब यहाँ पे हम शॉर्टेड फंक्शन का यूज करेंगे क्या लेने के लिए, लिस्ट, हमें लिस्ट मिलेगी शॉर्टेड पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज की। फाइन, और किस फॉर्म में, शॉर्टेड फॉर्म में। इसका सिंटेक्स क्या है, शॉर्टेड, ओके, डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स। अब आइटम फंक्शन का यहाँ पे जब हम यूज करते थे, आइटम फंक्शन का हम जहाँ जब यूज करते थे, तो क्या होता था, हमें आइटम्स की वैल्यू पेयर मिलता था। फाइन, की वैल्यू पेयर मिलता था। ओके, तो अब जब आप आइटम्स फंक्शन को पास कर रहे हो शॉर्टेड फंक्शन के अंदर, तो आपको शॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट के डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर मिलेंगे। फाइन, नाउ सी, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी है, दिस इज आर डिक्शनरी। ओके, हमने एक वेरिएबल लिया शॉर्टेड डिक्ट लिस्ट। फाइन, ओके, फाइन। अब यहाँ पे देखो, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने क्या पास किया है, डिक्ट डॉट आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन से आपको क्या मिलते हैं, डिक्शनरी के आइटम्स मिलते हैं टपल फॉर्म में, यह आपने पहले भी किया है। ओके, टपल फॉर्म में। लेकिन अब क्या होगा, जब आप शॉर्टेड फंक्शन के अंदर डिक्ट डॉट आइटम्स फंक्शन को पास करोगे, तो आपको जो टपल फॉर्म में उसका की वैल्यू पेयर्स मिलेंगे, वो क्या होके मिलेंगे, वो अरेंज होके मिलेंगे, और एक लिस्ट बन जाएगी, राइट। अब देखो, दिस इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। नाउ यू कैन सी, जब आपने इसको प्रिंट कराया, तो क्या मिला आपको, लिस्ट ऑफ टपल्स, एंड ऑल द टपल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, फाइव नैना, फाइव जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, वो यहाँ पे आ गई टपल फॉर्म में। फाइव नैना, 12 क्षितिज, 15 प्रणव, 21 स्नेहा, 32 वैष्णवी। फाइन, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको आइटम्स मिल गए शॉर्टेड फॉर्म में। फाइन, नाउ वी कैन मीट, नाउ वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो विद आर नेक्स्ट टॉपिक।